एवं भगवान के बाद लोग डॉक्टरों से अपनी जान बचाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन अब कुछ डॉक्टर कुत्तों की तरह लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, जिस पर लोग अपने घरों में अपनी जान देना तो मंजूर कर रहे हैं लेकिन अस्पतालों में जाने से कतरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक निजी अस्पताल द्वारा दो कोविड शवों की अदला बदली से मचा हड़कंप। दोनों शव अलग अलग संप्रदाय के हैं, जिसके चलते पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मामले को सुलझाने में लगे हुए हैं। दोनों पक्षों के लोगों अस्पताल द्वारा बरती गई घोर लापरवाही के कारण दोनों के परिजनों में क्रोध है। परिजनों ने अस्पताल की लापरवाही का विरोध कर अस्पताल कर्मचारियों से शिकायत की तो अस्पताल कर्मियों ने परिजनों से पूरी गुंडागर्दी दिखाई। उसी को लेकर दोनों के परिजन अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने जनपद भर में आधा दर्जन से अधिक निजी अस्पतालों को अधिग्रहित करके कोविड मरीजों को भर्ती कराकर इलाज कराया जा रहा है। इसी कड़ी में मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट हाईवे स्थित कॉस्मोस हॉस्पिटल में आज शाम उस समय हंगामा हो गया जब दो कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद अस्पताल स्टाफ की लापरवाही के चलते शव बदल दिए गए। दोनों शव अलग अलग संप्रदाय के होने के कारण मामला बिगड़ता चला गया तो परिजनों ने पुलिस बुला ली, और जिसके बाद मामले को गंभीरता से देखते हुए जिला प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। परिजनों का आरोप है कि उनके परिजन राम प्रताप का शव पड़ोसी जनपद रामपुर निवासी नासिर नाम के शव से बदल दिया था और उनका अंतिम संस्कार भी मुस्लिम रीति रिवाज से कर दिया गया है। अब प्रशासन ने कब्र खोद कर बॉडी निकालने का काम शुरू कराया है और रामपुर से भी मृतक नासिर के परिजनों को बुलवा कर सही शव उन्हें सौंपते हुए जांच करके कॉस्मोस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। किसका शव दफन हो गया? कॉस्मोस हॉस्पिटल में दो डेड बॉडी एक्सचेंज होने का मामला आया था तो हम और सीओ सिविल लाइंस मौके पर पहुंचे, जहां पे एक व्यक्ति ने बताया कि हमारी डेड बॉडी दूसरी डेड बॉडी से एक्सचेंज हो गई है। दूसरा पक्ष का भी जैसे आप देख ही रहे हैं यहां पे इंतजार हो रहा है, जैसे आएंगे दूसरी डेड बॉडी हमारी एम्बुलेंस में बिल्कुल कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप रखी हुई है, उनकी डेड बॉडी निकाल करके दोनों को आपस में जिसकी ओरिजिनल बॉडी है डेड बॉडी उसको उनको उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जहाँ तक रही बात इस मामले की कि ये एक्सचेंज क्यों हुआ, चूँकि ट्रिपल लेयर में पैकिंग होती है वहाँ पर कोविड डेड बॉडी के प्रोटोकॉल के अनुरूप, तो उसमें हो सकता है प्रशासन अस्पताल प्रशासन से कोई गलती हुई, इसकी जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। मेरा नाम पवित्र कुमार है साहब। क्या हुआ आज पवित्र जी? आज ये हुआ भाई साहब, हमारा पेशेंट थे कॉस्मोस में एडमिट 16 तारीख से, जिनको वैसे तो हार्ट डिजीट के वो थे मरीज, और उसको उनको जब कोविड चेक कराया गया तो उनको पॉजिटिव घोषित कर दिया इन लोगों ने। उनकी कल शाम इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि डेथ हो गई आपके पेशेंट की, ठीक है। डेथ होने के बाद इन्होंने कहा कि आप आज इनका फ़ोन आया कि अपने बॉडी को आप लेके जाइएगा और दाह संस्कार करवाइएगा। हम 2:30 बजे अपनी बॉडी जब लेने गए तो कोविड को ये कहते हुए हमारी गाड़ी में बिल्कुल अस्पताल के बंदों ने हमारी बॉडी को रख दिया। हमने जब ये कहा कि हम आप बॉडी को शनाख्त करना चाहते हैं क्या यही हमारी बॉडी है, तो वो उन्होंने देखने नहीं दिया और गाड़ी को सील करके बंद करके कह दिया कि सीधा मोक्षधाम पहुँचो और इसका अंतिम संस्कार करो। हम 4 घंटे से जब मोक्ष धाम में लगे रहे, हमारा नंबर नहीं आया, इतनी ज़्यादा भीड़ चल रही है कोविड के चक्कर में। जब हमारा 4 घंटे के बाद नंबर आया और लकड़ियाँ वगैरह हमने लगा ली, तो जब हमने डेड बॉडी को उठा करके रखने की कोशिश करी वहाँ, तो इत्तफाकन जब हमने क्योंकि ट्रांसपेरेंट पिन्नी में वो लिपटी हुई थी बॉडी, तो जब हमने उस बॉडी को देखा तो वो बॉडी हमारी नहीं थी, वो किसी उसकी उम्र लगभग ऐसी 45 साल की थी, 40-45 साल का वो बंदा था। हमारी जो बॉडी थी वो 61 साल के बंदे की थी और भारी भरकम बंदे की थी, ये छोटा था। उसके बाद हमने अस्पताल वालों से कॉस्मोस वालों से कांटेक्ट करा, हमने उनसे बात करी कि भाई हमारी बॉडी कहाँ है, ये जो दो तुमने हमें बॉडी दी है ये हमारी बॉडी नहीं है। उन्होंने कोई भी संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया और ये कह करके डाल दिया कि जो हमने दिया उसी को आप अंतिम संस्कार कर दीजिए और आप ज़्यादा वकालत मत झाड़िएगा। मैंने ये हमें नहीं बता के दिया हमने कि भैया जब दो डेथ हुई आज तो दूसरी पार्टी का आप हमें नंबर दे दीजिए, कि भैया वो नंबर आपको नहीं मिलेगा क्योंकि कोविड का मामला है इसलिए हम आपको नंबर प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये कह करके हमें टाल दिया और हमसे ये कहने लगे कि जो बॉडी हमने दी है भैया उसी का अंतिम संस्कार करो और अपने घर को जाओ। अभी हमारी बॉडी जो है हमें ये पता चला, फिर हमने पुलिस का मदद ली, प्रशासन की मदद ली, तो प्रशासन ने इसको गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए ये पता चला है कि जो बॉडी हमें दी गई थी वो किसी नासिर नाम के व्यक्ति की थी जिसकी उम्र 45 साल है और वो रामपुर का निवासी है, और हमारी जो बॉडी है
हमारी बॉडी उस नासिर के परिवार वालों को सौंप दी गई जो रामपुर के निवासी थे। तो अब बॉडी बदली आ रही है, वो भी प्रशासन के प्रयासों से बदली आ रही है, ना कि अस्पताल वालों ने कोई कॉपरेट किया। अस्पताल वालों ने हमें 1% कॉपरेट नहीं किया, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है कि पता ना कौन किसकी बॉडी जला रहा है और कौन किसकी बॉडी को दफन कर रहा है, ये क्लियर नहीं है।